खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से है, जहां पर मायके जाने की जिद पर अड़ी पत्नी को उसके पति ने पानी में डुबोकर मौत के घाट उतार दिया। मिशन शक्ति अभियान के तहत क्राइम ब्रांच की टीम ने हत्यारे पति को गिरफ्तार करते हुए उसी की निशानदेही पर 60 दिनों से गायब शैलेंद्री का कंकाल बरामद कर लिया है। मामूली बात से नाराज होकर पत्नी की जान लेने के इस सनसनीखेज मामले का खुलासा एसपी राजेश द्विवेदी ने किया। एसपी ने बताया कि आरोपी युवक को जेल भेजा गया है और अन्य कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बगौली थाना के अनवरखेड़ा मजरा विक्टोरियागंज चौसा निवासी श्रीराम मौर्या की 37 वर्षीय पत्नी शैलेंद्री 60 दिनों से गायब थी। उसके पुत्र अमन मौर्या ने अपनी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इधर शैलेंद्री के पिता हरिराम अपनी बेटी की बरामदगी को लेकर आला अफसरों से गुहार लगाता फिर रहा था। हरिराम की अर्जी पर जब इलाकाई पुलिस ने पड़ताल शुरू की तो उन्हें अपना फर्ज याद आ गया। आनन फानन में पुलिस हरकत में आई और क्राइम ब्रांच की टीम ने शक के आधार पर शैलेंद्री के पति श्रीराम को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी। कड़ाई से की गई पूछताछ में श्रीराम टूट गया और उसने कबूल किया कि उसी ने शैलेंद्री की हत्या की है। हत्या के पीछे मायके जाने की जिद बताई। विगत माह 9 मार्च को थाना बगौली क्षेत्र में रहने वाली महिला की गुमशुदगी की सूचना उसके पिता द्वारा दी गई। इसके बारे में पड़ताल करने पर उसके पति ने बताया कि 11 फरवरी को उसको लेकर के अपनी पत्नी को लेकर के नैमिषारण गया था, वहीं से कहीं गुम हो गई थी। इस संबंध में पुलिस द्वारा, स्थानीय पुलिस द्वारा कई टीमें लगा करके और मुखबिरों को मामूर करके तमाम कोशिशें की गई, किंतु वो दस्तयाब नहीं हो पाई। इसी क्रम में नवीन सरकार के गठन के बाद आपने देखा होगा मिशन शक्ति के तहत पुलिस द्वारा, जनपदीय पुलिस द्वारा काफी कार्रवाई की जा रही है। महिलाओं एवं बालिकाओं के सम्मान के रक्षा के लिए पुनः हमारे द्वारा इन सबको निर्देशित किया गया कि विगत में जो भी महिलाएं व बालिकाएं गुम हुई हैं या मिल नहीं रही हैं, उनको नए सिरे से उनकी तलाश की जाए। इसी क्रम में जब इस महिला के बारे में पड़ताल की गई, तब इसके पति द्वारा कोई नई सूचना दी गई। इस पर स्थानीय पुलिस सीओ बघौली के नेतृत्व में इनके द्वारा कड़ाई से पूछताछ की गई, मुखबिर भी मामूर किए गए, जिसके कारण इस व्यक्ति श्रीराम अभियुक्त जो कि मृतका का पति है, इसके द्वारा स्वीकार किया गया कि आपसी झगड़े के कारण इसने इसका तभी फरवरी माह में ही कत्ल कर दिया था। वह पास के एक बाग में छुपा दिया था, दफन कर दिया था। इसी की निशानदेही पर महिला के शव की बरामदगी हुई, जो कि इस समय कंकाल की हालत में है। उसकी पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराया जाएगा, किंतु पास में झाड़ियों में छुपाए गए अन्य अभिलेख बरामद हुए, आधार कार्ड इत्यादि मिले हैं, जिससे कि अभी तक प्रमाणित है कि यह मृतका का ही शव है। इसके अभियुक्त द्वारा बताया गया है कि इसकी अपनी पत्नी से अनबन रहती थी और इसने जो है आवेश में आकर उसका नदी में सर डुबा करके उसकी हत्या कर दी थी। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।